आप कहेंगे कि मौलाना बहुत से लोग एतराज करते हैं कि अरे ये कुरान है, इस कुरान में इतना जुल्म भरा पड़ा है, पत्थर से मार कर मरा रहे हैं। अरे वो पत्थर से मारना ज्यादा आसान, उसको इतना दर्द नहीं हुआ होगा जितना दर्द सन 2012 में शायद दिसंबर के महीने में पूरी दुनिया शर्म से झुक गई। भारत में जो वाकया होगा दिल्ली के उस बस में, चार पांच दरिंदों ने उस बेटी की इज्जत को लूटा, और उसी पर बस नहीं किया बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट में उसके मखसूस जगह पर हाथ डालकर उनके शर्मगाह में अंदर के ऑर्गन्स उनको निकाल लिया, उनको डैमेज कर दिया। क्या वो ज्यादा खतरनाक है? ऐसे लोगों को तो मैं ये कहता हूं कि चार पांच जिस्म के टुकड़े कर देने चाहिए, उनके जिस्म को सामने रखकर इतनी दर्दनाक मौत होनी चाहिए कि कोई किसी गरीब बेटी की बस के अंदर उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ ना करे। और फिर कुरान उसका इलाज भी बताता है। क्या इलाज? ये बताता है कि बेटियां अपने सर को ढाप लो, सर को छुपा लो, कोई देखेगा नहीं, तो आपको देखने के बाद उसकी नीयत नहीं बिगड़ेगी। सब बात क्लियर है? तब अगर कोई करता है इसके बाद भी तो ये सजा दो। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हर तकरीर में कह चुका हूं, काइंडली आई रिक्वेस्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्लीज इंप्लीमेंट द कमांड फॉर सिना फॉर रेपिस्ट, दिस कुरान करीम, कुरान करीम के इस ऑर्डर को नाफिज कीजिए। इस ऑर्डर को अगर कोई जिना करेगा तो उसको कौन सी सजा मिलेगी? ये सजा मिलेगी। आप कहेंगे कि क्या जरूरत है ये सजा देने की, तो क्या सजा देंगे? नहीं तो क्या सजा देंगे? कोई सजा है जिना से बचने का? कोई रास्ता जिना से बचे, जिना जाने को कोई सजा नहीं जनाब? यहां तो बड़े बड़े कातिल को सजा नहीं मिलती। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री साहब के बेटे ने किसानों पर चला दी गाड़ी, चार छह आदमी मर गए और अभी 3 महीने में बाहर आ गया। लीजिए बेल हो गया, बाहर आ गए। जिनका डंडा, जिनके क्या कहते हैं वो, जिसकी लाठी उसी की भैंस, वही चल रहा है इस देश के अंदर में, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और बहुत सारे ऐसे रेपिस्ट होते हैं कि जिसकी ऊपर पहुंच होती है वो अपनी पैरवी करा करके निकल जाते हैं। कुरान के इस फरमान पर अगर अमल किया जाएगा तो समाज की किसी बेटी की इज्जत नहीं लूटी जाएगी, समाज की किसी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। हम कसम खाकर कहते हैं सिर्फ 6 से 1 साल के बीच तक आप इस कानून को नाफिज कर दो, इंशाअल्लाह हमें कवी उम्मीद है कुरान की बरकत से। जहां पर जिना अभी 1 मिनट में तकरीबन 42 जिना के वारदात हमारे भारत में होते, अगर जिना के वारदात घटकर 0 पर ना जाए तो आप हमारा नाम बदल दीजिएगा। लेकिन शर्त यह है कि इस पर अमल करना होगा, कुरान करीम के इस फरमान को दिल के साथ सच्चाई के साथ इसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। कोई चीटिंग नहीं और कोई धोखा नहीं, वरना जुबान से बोलो कुछ और कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम ये करेंगे वो करेंगे, और जब अंदर जाते हैं रूम में तो वहां कहते हैं कि अरे अच्छा बेवकूफ बनाया लोगों को, ये भाषण दे दिया और लोग तो वाह वाह करने लगे, अब मन्नो सलवा उतरने वाला है, पूरी जिंदगी खत्म जो हो जाती है, न तो 15 लाख रुपए आते हैं, न तो बेटी बचाओ की तहरीक पर अमल होती है। 1 करोड़ 12 लाख बेटियां पिछले 4 साल के अंदर उनको एबॉर्शन करके मार दिया गया है। क्यों नहीं आप उस पर एक्शन लेते जनाब? क्यों नहीं लेते? सिर्फ जुबानी बोलेंगे कि बेटी को बचाइए, बेटी का सम्मान करो। मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश के सीएम साहब को, आप सबसे पहले नंबर पर तो शादी करो, पहले नंबर पर ब्याह करो। आप क्यों शादी आपने नहीं की है और आपका सम्मान आप नहीं जानते? पहले शादी करेंगे तब ना पता चलेगा कि बेटी की क्या अहमियत है, बीवी की क्या अहमियत है। पहले शादी करने की जरूरत है, वो शादी करते नहीं है और बेटी की अहमियत का पता चलता नहीं। एक साहब ने शादी की है तो 42 साल से अपनी बेटियों अपने बीवी को छोड़कर आए हुए हैं। 42 साल हो गए अपनी बीवी के पास नहीं गए। कौन? हमारे देश के सबसे बड़े नेताजी। बेटी का सम्मान तो जब ही होगा ना कि जब बेटी होगी, उनकी बेटी नहीं, उनके बेटे नहीं और इनकी बीवी नहीं। अब कैसे पता चले कि बेटी का क्या दर्द होता, बेटे का क्या दर्द होता? औलाद का दर्द उसी को होता है ना जिसको औलाद होती।
उन्हें तो पता ही नहीं जनाब। मेरे भाइयों, मेरे समाज के लोगों, मेरे समाज के नौजवानों, हमें इस वक्त में ऐसी सिचुएशन में, आजकल के जमाने में हमें करना क्या चाहिए? हमें करना ये चाहिए कि सबसे पहले नंबर पर जितनी मखालफत कुरान की जा रही है, जितनी मखालफत शरीयत की जा रही है, उतना ज्यादा जोर देकर हमें अपने शरीयत पर अमल करने की जरूरत है। अगर आपको डर लगता है, अगर आपको खौफ है कि नहीं जनाब पता नहीं क्या हो जाएगा, तो मैं तारीख आपको बताता हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 300 साल बाद एक बादशाह पैदा हुआ, उसका नाम था तकियानूस। वो बादशाह ऐसे ही था, अनपढ़ था, गवार था, वो भी ऐसे ही बोलते थे कि 12वीं पास के बाद 10वीं में तुम्हारा एडमिशन कराएंगे, 10वीं पास करोगे तो 8वीं में कराएंगे, 8वीं में पास होगे तो 6वीं में कराएंगे, 6वीं में पास होगे तो 4वीं में कराएंगे, 4वीं में पास होगे तो यूकेजी नर्सरी में डाल देंगे, यूकेजी नर्सरी पास करोगे तो पकौड़ा बेचने लगा देंगे, आगे बढ़ाएंगे नहीं पीछे जाएंगे। आदमी आगे जाता है, पीछे आ रहा है। वो तकियानूस, वो भी यही कहता था। क्या वो साफ लफ्जों में ये कहता था कि मुझे मानो खुदा, मेरी इबादत करो। बहुत अच्छी हवा चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तरफ से है ये सरसर आंधी। मेरी इबादत करो। तकियानूस, हम लोग बोलते हैं ना, अरे तो दकियानूसी है। दकियानूसी का मतलब वही पुराना जो बादशाह था, बहुत ज्यादा खड़ूस था वो, बहुत ज्यादा जालिम भी था, खड़ूस भी था। दकियानूसी ख्याल जी, दकियानूसी, दकियानूसी, वो दकियानूस। उसने कहा कि मुझे खुदा मानो, लेकिन कुछ नौजवान थे उसके इस दावे से परेशान हो गए और उन्होंने ये कहा। एक नौजवान अपने गांव से निकला, जैसे आपके इस गांव में अगर कोई प्रधान है, अगर वो जुल्म करता है तो किसी को हिम्मत नहीं होती, अगर वो आवाज बुलंद करता है तो उसको जेल में डाल देते हैं, पुलिस के जरिए से उसको टॉर्चर करते हैं, ईडी के जरिए से परेशान करते हैं, अगर वो हक की बात करता है तो उसको आईबी के जरिए, आयकर विभाग वाले के जरिए, जैसे अभी मुंबई के अंदर एक मंत्री जी को उन्होंने अभी वो जनाब नार्को टैक्स की वो पूरी वो अभी वो ड्रग्स के मामले में वो पूरे करप्शन घोटाले को खोल कर रखा, तो अभी उनका ईडी वालों ने, इंफोमस ऑफ डायरेक्टर ने उनको पकड़कर उसको मजबूर करने की कोशिश की। बहरकैफ अगर वो मुजरिम है तो उनको सजा दी जाए, लेकिन उन्होंने बहुत सारे हकायक लोगों के सामने रखे। आपको उसका नाम मालूम होगा, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरे भाइयों, अगर आपके इलाके में या भारत के किसी हिस्से में अगर मुसलमानों को माइनॉरिटी समझकर डराया जाता है कि नहीं ये मुसलमान है, थोड़े हैं जनाब भारत में, इसीलिए इनको डराओ, बुर्के के नाम पर डराओ, टोपी के नाम पर डराओ, मस्जिद के नाम पर डराओ, दाढ़ी के नाम पर डराओ, एक बात याद रखो, अगर हम टोपी और दाढ़ी वाले हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम इस देश में सालिम है। हमें तलवार, हम सिर्फ तलवार की बात करते हैं, ये तुम्हारी भूल है। तलवार की बात तुम्हारी किताबों में, हमारे कुरान में तो अमन की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमान अर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम।